ग्लिप डॉट इन में आपका स्वागत है। बहस जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे पास मौजूद हैं ब्रिगेडियर प्रदीप यदु, आपका हार्दिक स्वागत है सर, और आलोक तोमर साहब मौजूद हैं, और एक्सपर्ट कमेंट के लिए हमारे पास मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ विशाल यादव सर, आपका भी स्वागत है सर। और बात को शुरू करते हैं कि हमारे घर में लहू से चराग जलता है मगर उजाला पड़ोसी को बहुत खलता है, और तुमने लगाई आग, तुम्हें याद तक नहीं, मेरे कलेजे से अब तक धुआं निकलता है। साहब, अभी हाल में पाकिस्तान में चुनाव हुए, चुनाव में क्या हुआ यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और इमरान खान भारत के कितने खैरख्वाह हैं यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या देश एक फिर से एक कारगिल की तरफ बढ़ रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम बहस करेंगे। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं ब्रिगेडियर साहब से कि क्या परिस्थितियां हैं अभी और क्या होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, देखिए, जो अभी पाकिस्तान में चुनाव हुए हैं जी, जिसमें पीटीआई 118 सीट लेके सबसे आगे चल रही है जी, लेकिन 272 में उसको अभी पूर्ण बहुमत नहीं है जी। अभी पाकिस्तान, ये जो प्रश्न आपने पूछा है, इसके लिए आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा जी। 1947 से लेकर आज तक वहां पे तकरीबन पूरे 71 साल में एक तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सैनिक रूल ही रहा है जी। चाहे वो अयूब खान हो, याह्या खान हो, जियाउल हक हो, परवेज मुशर्रफ हो जी, वहां पे सिर्फ सैनिक रूल रहा है, और बीच बीच में जो भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे लियाकत अली आए हों, चाहे जरदारी आए हुए हों, चाहे वेनेजुर भुट्टो हों, जुल्कार अली भुट्टो हों, ये सब पपेट जी के तरीके से थे जी। अब इस इलेक्शन से भारत में क्या प्रतिक्रिया होगी, अभी कहना शायद कुछ जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि पहले इमरान खान की भाषा कुछ और थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने जब बोला कि मैं मोदी जी को मोदी जी के स्वर में ही जवाब दूंगा, तो अभी वो क्या चाहते हैं ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो इतना जरूर बताना चाहूंगा कि वो वहां के फौज के एक कठपुतली प्रधानमंत्री होंगे। ये जनरल बाजवा ने, जैसे नवाज शरीफ का नाम जी पनामा लीक में डायरेक्टली नहीं था जी, लेकिन उनका फौज ने ट्रायल किया जी, उनको पनामा लीक में फंसवाया जी, और उनको और उनकी बेटी मरियम को हटवाया, जेल दे दी जी, सैनिक कोर्ट ने दिया था ये जी, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था जी। इसीलिए अभी जो स्थिति है थोड़ी नाजुक है, और इसको अगर आप सोचें कि कारगिल की जैसे स्थिति हो सकती है जी, तो मेरे विचार से ऐसा हो सकता है जी, और ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार की स्थिति सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से की जाए जी। हो सकता है अगले चुनाव को देखते हुए हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ऐसा किया जाए जी, ताकि पाकिस्तान के चुनाव के नाम पे हम कुछ ऐसा कर दिखाएं जी, कि आज चाहे पाकिस्तान की सरकार हो या हमारी खुद की सरकार हो जी, इन दोनों देशों की जनता का ध्यान भटके। इसीलिए जो आपने कहा है कारगिल की स्थिति हो सकती है जी, इसमें संभावना है जी। बहुत बढ़िया सर। और सर, ये इसके लिए चलते हैं हम अपने एडिटर इन चीफ सर के पास एक्सपर्ट कमेंट के लिए। तो सर, आप इस पूरी घटनाक्रम को किस तरह से देखिए आरपी सिंह जी, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि इमरान खान के स्वर बदले हैं, बिल्कुल स्वर बदले हैं। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की दोस्ती पे, उनके याराना पे कटाक्ष करके जो वोट हासिल किया, उनकी हर सभा में तकरीबन हर सभा में मोदी और नवाज शरीफ की दोस्ती का जिक्र होता था जी। वहां दोस्ती और गद्दारी के जो नारे लगाए जाते थे वो हमेशा सुनाई देते थे। तो ये जब
इमरान खान ने ये बातें शुरू की वोट लेने के लिए, उसके तुरंत बाद उन्होंने जब एक संदेश दिया, एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से देश के नाम एक संदेश देने की कोशिश की, उसमें ये स्पष्ट किया कि भारत को लेके उनके अब जो सोच है वो बदली है और वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेके चलेंगे, भारत में इस तरह की चीज आई। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वो एक आर्मी के कठपुतली होंगे, मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, जो इमरान खान है वो पाकिस्तानी आर्मी के सिर्फ पोस्टर बॉय हैं, जिसे सिर्फ दिखाया भर जाएगा, बाकी चीजें संचालित सेना करेगी। ये एक बात आपको सबको समझनी होगी। एक चीज और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, शायद हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक रखें। जो इमरान खान ने जो अपना संदेश पढ़ा, लगभग 20-22 मिनट का संदेश उन्होंने जो पाकिस्तान की जनता के नाम पढ़ा, उसमें 1 मिनट 27 सेकंड उन्होंने चीन की तारीफ की, यानी कि वो सीधे सीधे चीन की गोद में बैठने जा रहे हैं और ये सबसे घातक होगा पाकिस्तान के लिए। हालांकि भारत से उसको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस समय अभी जो एक स्थिति जो बनी हुई है वहां पे, उस पर हमको गौर करना होगा। ये स्थिति काफी घातक हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। चीन एक कॉरिडोर बना रहा है, जी ये चीन कॉरिडोर ग्वादर से लेके वहाँ ऑक्यूपाइड कश्मीर तक है, जो सीधे पाकिस्तान के बीच में से होके जा रहा है। अभी फिलहाल काम उसका रुका हुआ है फाइनेंशियली कंडीशन के कारण, लेकिन ये पाकिस्तान को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है। इमरान खान ये जरूर कह रहे हैं कि हम उनसे व्यावसायिक रिश्ते के बारे में कुछ चीजें सीखेंगे, चीन बहुत अच्छा व्यवसाय करता है, लेकिन चीन के बारे में भारत से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि चीन हिंदी चीनी भाई भाई का जो उसने कहा था, उसके बाद पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। पाकिस्तान को ये सबक जरूर मिलेगा, मुझको ऐसा लगता है। सर अभी इसमें थोड़ा सा और जोड़ देते हैं कि आज उनका इमरान खान का बयान आया है कि हम भारत के फार्मूले और चीन के मॉडल पर नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो इस चीज को कहां तक देखते हैं हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं आलोक तोमर साहब। मैं चाहूंगा कि तोमर साहब इस पर कुछ अपने विचार रखें कि इस चीज को लेकर के पाकिस्तान का क्या रवैया हो सकता है। देखिए, जरा पीछे जाइए तो एक समय पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम हमसे अच्छा जी, था जी, है ना जी, और उनकी इकोनॉमिक बहुत अच्छी थी उन दिनों जी, मैक्सिमम लड़के वहां बाहर जाके पढ़ते थे जी। ये 57 के आसपास की बात मैं बता रहा हूँ जी। उसके बाद इंडिया ने काफी तरक्की की और वो तो आज उनकी हालत बहुत खराब है जी। अब मैं पॉलिटिकली बता रहा हूँ, आज की जो विश्व संस्कृति है वो है आर्थिक संस्कृति, आर्थिक संस्कृति ही मेन ये हो गया है। बिल्कुल ठीक। इमरान खान अभी इंडिया पे नजर उठा के देखेगा भी नहीं, क्योंकि जो उसका सबसे बड़ा सहयोगी चीन हो है जी, चीन को मालूम है अमेरिका उसके मार्केट को तबाह कर रहा है जी, और इंडिया ही मार्केट है उसका सबसे अच्छा जी। तो इस कारण से चीन भी इनको नहीं ये करेगा, पाकिस्तान को अभी ये नहीं कहेगा कि जो भी इंडिया मार्केट है कहीं ये भी है। आपको मैं बता दूं, चीन से हम सामान ज्यादा खरीदते हैं, उसको बेचते क्या, हम बेचने में सिर्फ दवा उनको देते हैं और एक दो चीज है उनके यहां से। आप कितने चीज आते हैं आपको अंदाजा नहीं, और शायद मुझे भी अंदाजा नहीं कि चीन किस तरह से हमारा हमारे ऊपर हम इम्पोर्ट चीन से कर रहे हैं जी, है ना। अब इमरान खान रहेगी पाकिस्तान क्यों नहीं करेगा, तो उनके हैं फजलुर रहमान जी और हासिम शाह जी, तरीके इस्लाम है पार्टी एक और लबान जी, हाँ ये दोनों उनकी लाइफ मिजरेबल कर देंगे, इतना जान लीजिए। उनको अभी कोई स्टेप लेने नहीं देंगे, और इंटरनेशनली भी देखा जा रहा है कि फौज का शासन डायरेक्ट ना हो। पाकिस्तानी इस बार चालाकी किए हैं कि एक पोस्टर बॉय सामने रख दिया है और उसके पीछे से अपना सारा काम ये करेंगे जी। रह गई इसके, तो अभी पाकिस्तान को आइडिया नहीं है, बिना चीन के मदद से वो कुछ नहीं कर सकता है, चाहे कितना भी वेपन ले लें, कि इंडियन आर्मी की पोजीशन क्या है। इंडियन आर्मी अभी घंटे भर में कराची तक जाने की स्थिति में है। नहीं, तो वो ठीक है सर, लेकिन एक चीज आपको जो मैं बताऊं, अभी थोड़ा समय पहले ही
चीन के कुछ आर्मी के एक्सपर्ट पाकिस्तानी आर्मी को बाकायदा ट्रेनिंग दिए थे और उनकी जो आर्मी की बैट एक बटालियन है वो बटालियन इन्हीं की प्रशिक्षित की हुई है जो बार बार भारतीय जवानों का के ऊपर हमले करती है और उनके शवों को बिगाड़ती है, उनके सर काट के ले जाती है, ऐसी जो घात लगा करके स्निपर राइफल से हमले करने की जो प्रक्रिया है इनकी, इन सारी चीजों को वही यूनिट अंजाम देती है। बॉर्डर इस पे होगी जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने अभी कहा है ही जी कि ये हो सकता है, ये हम जान बहुत ये कर सकते हैं, हो सकता है कि देखिए राजनीति तो बहुत गंदी चीज होती है मेरे ख्याल से, या होती नहीं है, बना दिया है लोगों ने, हो सकता है कि हम ही कुछ ये कर दें उसके लिए। तो अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि साल भर एटलीस्ट साल भर ये अटैक नहीं करेगा पाकिस्तान हमारे ऊपर, इसके लिए मैं हर इस पे बहस करने के लिए तैयार हूँ। मेरे विचार मत अलग लोगों के हो सकते हैं, उसका मैं ना बुरा मानूंगा ना ये करूंगा, लेकिन मेरे जहां तक मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक है पाकिस्तान टूट चुका है, साहस नहीं करेगा एक लड़ाई लड़ने में कितना ये होता है, ब्रिगेडियर साहब उनसे आप पूछ लीजिए जी। सर इसमें एक चीज और भी होती है कि अपराध शास्त्र में सर बैठे हैं जानते हैं कि अपराध शास्त्र में हमेशा इस चीज को माना जाता है कि अपराध वही होता है जहां हिफाजत से ज्यादा भरोसा होता है, ये अपराध शास्त्र का पहला फार्मूला है। तो अब इस पर मैं चाहूंगा कि अपना वो विचार रखें सर ब्रिगेडियर साहब कि क्या हो सकता है, हमें तो जहां तक लगता है कि अपराध वही होता है जहां हिफाजत से ज्यादा भरोसा होता है, इसलिए हमें पाकिस्तान जैसे देश पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए। देखिए 1947 से आज तक जी पाकिस्तान के ऊपर नहीं भरोसा किया जाना चाहिए, ये सब सभी बोल रहे हैं जी। आप पाकिस्तान की जो आज स्थिति देखिए, जैसे तोमर साहब ने बताया जी, उसको पहली चीज 300 अरब डॉलर का उसके ऊपर कर्जा है जी, उसकी जीडीपी आज सिर्फ 5.7% है जी, जो पहले 7.4% थी जी, जी। तीसरी चीज वहां पे जीरो रोजगार है जी, वहां के जो युवक हैं उन्होंने पढ़ाई बंद कर दी है जी। और पाकिस्तान को पूरी दुनिया एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में देखती है जी, लेकिन ऑफिशियली कोई उसको टेररिस्ट स्टेट घोषित नहीं कर रहा है जी। और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है, वो सिर्फ भारत विरोधी नीति उनकी पहली फॉरेन पॉलिसी है जी। अगर वो भारत का विरोध नहीं करेगा तो पाकिस्तान को दुनिया में किसी से कोई मदद नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और एक चीज और बताना चाहूंगा सर कि 2016 में जी पाकिस्तान के 50 लाख बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है जी, वहां इस तरीके की गरीबी है। और इस समय पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, ये जैसे अभी बहता पानी जैसे बाढ़ आती है जी जी जी, लेकिन बाढ़ के बाद स्थिति कैसे संभलती है जी, ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, थोड़ी मुश्किल होगी, अभी एक तूफान की स्थिति वहां पे चल रही है जी जी। सर इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये देखिए जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कहा और अशोक तोमर जी ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है उस पर डिपेंड करेगा कि वो पाकिस्तान अगला मूवमेंट कैसे करेगा। मैं आपको अर्पित सिंह जी एक बहुत ही रोचक आंकड़ा बताता हूँ, उसमें लगभग 61,000 करोड़ रुपए इस समय सिर्फ पाकिस्तान के पास हैं जी। ये किसी भी देश के लिए 61,000 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखते, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि उसके खाते में सिर्फ 61,000 करोड़ रुपए हैं, लगभग 12 बार वो कर्ज ले चुका है, आप समझ सकते हैं कि वो कहां खड़ा है वो देश। इमरान खान की जहां तक बात हो रही है, इमरान खान ने खुद ये अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि हमारे यहां किसानों की स्थिति सबसे दयनीय है, तो उनके बच्चों के पास खाने की व्यवस्था नहीं है,
ये तो पाकिस्तान के हालात हैं। ऐसे में पाकिस्तान को सबसे वाकई में एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है, और मुझको लगता है अशोक तोमर जी ने जो 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 चीजें कही कि चीन का जो सपोर्ट जो वो लेगा, तो चीन से एक प्रेरणा लेके वो कहीं ना कहीं एक व्यावसायिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश जरूर करेगा, उसके बाद वो भारत की तरफ रुख करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात हमको ये समझनी होगी कि इस पूरे घटनाक्रम में जब से ही चुनाव शुरू हुआ था पाकिस्तान का, तब से पाकिस्तान में सिर्फ दो ही मुद्दों पर इमरान खान ने बात की, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे, दूसरा कश्मीर पे। ये आपको समझना होगा कि उनकी निगाहें कश्मीर की तरफ हैं, यानी वो कश्मीर में अलगाववाद को हवा देकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करना चाहते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की फितरत है, हालांकि इस फितरत से भारत को बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी वो उस तरह का दबाव बना के रखना पड़ेगा, एक जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भारत को तकरीबन फोकस करना पड़ेगा ताकि उन सब चीजों को दबाया जा सके। बिल्कुल सर। और इसके अलावा चीन की एक अपनी और नीति रही है, वह रही है विस्तारवाद की। वह पहले किसी देश को अपने पूरी तरह से अपने कब्जे में लेता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको अपने पहले उसको उसकी मदद करता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे उस पर जब कर्ज का बोझ बढ़ता है फिर उसको धीरे धीरे वो अक्यूपाई कर देता है। इसकी शुरुआत हो चुकी है उस कॉरिडोर से, जो एक कॉरिडोर जो उन्होंने बना के जो रखा वो है, वो एक रास्ता है, ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट है, वो एक रास्ता है चीन का पाकिस्तान में घुसने का, तो पाकिस्तान को इस चीज को समझना होगा। तो मैं ये आलोक तोमर साहब से इस बात को समझना चाहूंगा कि क्या चीन इस तरह से करके जो ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, कॉरिडोर बना रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत जकड़कर पाकिस्तान को खुद कब्जे में करना चाहता हो? देखिए, मैं पहले तो पाकिस्तान का और चीन का ये बता दूं जी, होगा क्या, चीन अभी पाकिस्तान को मदद करेगा जी, क्योंकि हमको उसे घेरना है जी, वो श्रीलंका के माध्यम से कर ही चुका है जी, हैं, बर्मा में भी वो घुस चुका है, बिल्कुल, बांग्लादेश अभी उससे बचा हुआ है, बांग्लादेश उतना ज्यादा ये नहीं कर पाया है, प्रेशर नहीं देता, हाँ जी, नेपाल में आप देख ही रहे हैं जी, वो रोड बनने का और रेलवे का तिब्बत से आने वाला है जी, तो वो जरूरत पड़ी तो हमें चौतरफा घेर रहा है जी। अभी वो क्या करेगा, जितना प्रोजेक्ट वो जैसे अफ्रीका में ले रहा है ना जी, उसमें पाकिस्तानी लोगों को कहेगा कि जो ठेकेदारी होता है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट जी, सब कॉन्ट्रैक्ट वो उनको देगा, उनकी स्थिति को सुधारेगा जी। पाकिस्तान के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं, अगर नहीं सुधरेंगे तो उनको कहां कौन मदद करेगा जी। तो तंजानिया, उगांडा, सिरिलियोन, ये सब देश है जहां मतलब कि चीन घुस रहा है और ये अपना ये करेंगे। ये मत भूलिए कि कुछ जगह ये अफ्रीका के बहुत से राष्ट्र में इस्लामिक कंट्री है जी, तो वहां पे पाकिस्तान को सहूलियत मिलेगा अपने लोगों के एक्सपर्ट को भेजने के लिए, या वेल्डर, हाई प्रेशर वेल्डर, चाहे इस तरह के छोटे मोटे ड्राइवर क्रेन ऑपरेटर के रूप में, पहले तो ये चीन करने जा रहा है जी, है ना जी। अब रह गया पाकिस्तान, तो देखिए एक इलेक्शन की बात और इलेक्शन के बाद में बहुत अंतर आ जाता है जी, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो उसी तरह है। एक स्वामी जी थे तो उन्होंने कहा वेजिटेरियन होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके बाद घर में किसी ने देखा कि वो अंडा उंडा खा रहे थे, कि स्वामी जी ये क्या है आप वहां पे कह रहे, तो कह देखिए ये मेरा चौका है, और जब मैं चौकी पे बैठ के बोल रहा था तो चौकी और चौका में अंतर है। उसी तरह चुनाव के समय बोलना और चुनाव के बाद की स्थिति में बहुत अंतर आ जाता है। उस समय तो सब कुछ सरकार की खराब लगती है, और जब अपने पावर में आते हैं लोग तब उनको समझ में आता है बाप रे बाप, हमें बहुत कुछ करना है। ये हमारे सरकार के साथ भी इसी तरह से हुआ, जिस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार का, क्या किसी चीज का खत्म कर देंगे वो कर देंगे, रोजगार आज बढ़ ही रही है, बेरोजगारी बढ़ ही रही है। दरअसल इस सवाल को हम लोग इसलिए उठाना चाह रहे थे ब्रिगेडियर साहब कि इमरान खान के पीछे जो चेहरे दिखते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन और जैसे तमाम आतंकवादी संगठनों के चेहरे, और उनका पैसा इस पे लगा हुआ है। अब ऐसे में मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता कि ये चुनाव जीतने के बाद इन पर रोक लगा पाएंगे। दूसरी चीज है पाकिस्तान की आईएसआई।
आईएसआई भी हमेशा आईएसआई की यही नीति रही है कि वह भारत में दंगे भड़काने, पत्थरबाजों को पैसे पहुंचाने, अलगाववादियों की मदद करने जैसे काम बराबर समय समय पर करता रहा है। भारत की जासूसी तो जो करनी है वो तो करता ही है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या इमरान खान जैसी बातें कर रहे हैं कि भारत के फार्मूले को लेकर चीन की मदद से या चीन के मॉडल से एक नया पाकिस्तान बनाने में सक्षम होंगे? देखिए, उनके जो पार्टी का नाम है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब पाकिस्तान की जनता को न्याय के लिए एक उनकी प्रस्ताव हिंदी में अगर आप देखें जी, जैसा मैंने पहले कहा जी, कि पाकिस्तान का सर्वाइवल एंटी इंडिया पॉलिसी पर है जी, और वो सिर्फ कश्मीर में या देश के दूसरी जगह जाके वो इस तरीके के कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या जैसे बॉम्बे में हुआ, दिल्ली पार्लियामेंट में हुआ और कई जगह दूसरी जगह हुआ, ये हमेशा कंटिन्यू रहेगा जी, ये कम होने वाला नहीं है जी, क्योंकि अगर वो ये कम कर देगा जी तो उसको कौन मदद करेगा? और दूसरे मुल्क भी नहीं चाहते कि ये जो टेररिज्म है ये खत्म हो जी, क्योंकि मुझे बिल्कुल फ्रैंकली बोलने की आदत है, बिल्कुल जी, ये जो टेररिज्म है आज एक बिजनेस है, बिल्कुल ये व्यापार है जी, इसमें टेररिज्म होगा तो दो देश आपस में लड़ेंगे जी, दो और तीसरे के हथियार बिकेंगे और दो जातियां आपस में लड़ेंगी जी, हथियार कहीं से आएगा, बारूद कहीं से आएगा जी, और टेररिज्म के नाम पे बहुत सारा पैसा आता है, फंडिंग आती है जी, तो ये व्यापार है और इस व्यापार को पाकिस्तान की जो आज की स्थिति है वो खत्म नहीं कर पाएगी। जैसा आपने आईएसआई का नाम दिया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब कारगिल की लड़ाई 3 मई 1999 को शुरू हुई थी जी, तब जनरल मुशर्रफ ने उस समय के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बताया तक नहीं था कि कारगिल में हम क्या कर रहे हैं जी। नवाज शरीफ को पहली बार पता लगा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने उनको फोन करके बताया नवाज शरीफ को कि कारगिल में आप क्या कर रहे हैं जी। और ये बात उस समय के आईएसआई चीफ जी, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद शेख, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि ये परवेज मुशर्रफ ने की थी, नवाज शरीफ को इसका कोई जानकारी नहीं थी जी। आज जैसा आपने बोला है कि जो वहां पे टेररिज्म क्या खत्म हो सकता है, ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बिल्कुल जी, अगर ये बढ़ेगा नहीं तो घटेगा भी नहीं जी, ये तो बिल्कुल पक्का है, है। जी, जी। और दूसरा, जैसा तोमर साहब ने कहा, बिल्कुल सही कहा, आज पूरे अफ्रीका में, क्योंकि मुझे कुछ समय वहां बिताने का मौका मिला था जी, वहां पे चाइना ने उन अफ्रीकन देशों की गोल्ड माइन को ले लिया है जी, और वहां से पूरा गोल्ड निकाल के वहां की सरकार को सिर्फ 5 या 7% रॉयल्टी दे रहे हैं वो। इस तरीके से चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है जी, वो भौगोलिक एक्सपेंशनिज्म ना हो लेकिन आर्थिक जो फैलाव है वो उसका पूरे विश्व में है, इसमें कोई शक नहीं है जी। जी, और इसके बाद फिर चलते हैं तोमर साहब के पास एक बार फिर से, कि ये जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है और जो आर्थिक नीति, अभी जैसा ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे, यहां तक भी देखा गया है कि तमाम चीजों को करने के लिए वो, चीन की तो कमाने की आदत है, हर जगह हर चीज में वो रोजगार तलाश लेते हैं, उनकी इतनी और वहां का ह्यूमन स्किल भी इतना बढ़िया है कि छोटी से छोटी चीज, आज तमाम तकनीकी चीजें आप देख लीजिए, जो भी कोई भी एक टेक्निकल पार्ट आप उठाइए और देख लीजिए कि या तो जर्मनी बनाती है नहीं तो चीन में मैन्युफैक्चर होता है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये फैक्टर कहां तक? देखिए, ये चर्चा बार बार होती है और उसमें कहा जाता है कि हम भारतीय ऐसा नहीं है। चीन के कुछ विचित्र नियम है, जैसे उसे सड़क निकालनी तो वो किसी सरकार को सड़क निकालनी तो किसी से पूछता नहीं, इन्फॉर्म करता है जी, उनसे परमिशन नहीं लेता है जी, कि हमें सड़क बनानी है ये कर देना जी, गया बुलडोजर चल गया ये हो जाए, मरे चाहे ये, विरोध कीजिएगा आपकी मौत भी होगी तो उससे उसको परवाह नहीं है जी।
लिबरल लॉज यहाँ है, 8 घंटे से ज्यादा आप खटाएंगे कई जगह लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसके लिए बवाल उठ रहा है जी। चीन में ऐसा कुछ नहीं है, चीन में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे स्टडी का ये है। और वो उनका ये है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम टाइम, ये उन्होंने ये बना लिया है, फॉर्मूला बना लिया है जी। और इस तरह के भारत जैसे नेपाल हुआ या वहां भी बेच के नेपाल के माध्यम से, इस माने में उनका कैलकुलेशन बहुत सही बहुत अच्छा है जी। मैं भी पहले कुछ समय पहले देखा था कि भारत के कास्ट आयरन बाजार पर पहले, सबसे पहले दुनिया के कास्ट आयरन बाजार पर चीन ने कब्जा किया था। भारत में जहां एक कास्ट में सर एक मोल्ड पर एक चीज का प्रोडक्शन होता है, वहीं चाइनीज टेक्नोलॉजी से अगर उसको करते हैं तो चीन वाले तह दर तह करके 10 मोल्ड लगाते हैं और एक ही नाली से उसको जोड़ते हैं और उसमें 10 चीजों का प्रोडक्शन होता है, यानी उनकी तकनीक हमसे 10 गुना तेज है। तो ऐसा करके इन्होंने क्या किया था कि कास्ट आयरन के बाजार में छाए हुए थे। ये दीगर बात है कि पिछले 10-12 साल पहले जाते हैं तो भारत ने उनके इस एकाधिकार को, एकाधिपत्य को तोड़ा और कलकत्ते की तमाम कंपनियां आज अमेरिका के से लेकर के अफ्रीका तक तमाम दूसरे देशों में भी कास्ट आयरन के इंस्ट्रूमेंट सहित तमाम चीजों की सप्लाई कर रही हैं, जिसमें ये रोड के पास लगने वाले मेन होल कवर हैं वो तक की सप्लाई इनसे होती है, मीटर बॉक्सेस बना के भेज रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी तादाद में जा रहा है और इसका मतलब चीन स्टील में इतना ये हो गया था कि अमेरिका और इंग्लैंड की कंपनी मजदूर हटाना शुरू कर दिए थे जी जी, उनका प्रोडक्शन मतलब कि हम तो अभी उस प्रोडक्शन पे जा ही नहीं सकते जी। तो ये था दूसरी चीज आपके कालीन बाजार को अगर आप उठा लीजिए, एक समय था भदोही के हर तीसरे घर में आपको काठ गड़ा हुआ मिलेगा और आदमी बिनता हुआ कालीन बुनता हुआ मिलेगा। भारतीय कालीन की जो गुणवत्ता थी निसंदेह वो बहुत अच्छी थी और टिकाऊ थी। एक बार आप खरीद के कमरे में डाल दीजिए, 20 साल आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है, आपका कालीन ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। उस कालीन के बाजार पर चीन ने कब्जा किया। आज हर छोटे बड़े किसी भी कमरे में आप देख लीजिए जो कालीन बिछा हुआ है, भारत के कालीन से बहुत कम लागत में और वो जल्दी ही तैयार हो जाता है। यही हाल कास्ट उद्योग का है, उसने कास्ट उद्योग पर भी कब्जा कर लिया है। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे जो है कब्जा करता जा रहा है और हमारे यहाँ के उद्योग जो हैं वो लगभग धीरे धीरे दम तोड़ते जा रहे हैं। तो इसका नुकसान भारत को भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तान के संदर्भ में विचार करने बैठे तो भारत को हम अनदेखा कर दें। भारत के भी उद्योगों को चीन जो है बहुत गहरा नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, कालीन उद्योग की बात की है, कालीन उद्योग के पीछे क्या है जरा और ये जाके देखिए जी। पहले चाइल्ड लेबर का एक हल्ला उड़ाया गया हाँ कालीन में जी, चाइल्ड इतना ज्यादा है कि चाइल्ड का अगर बना हुआ प्रमाण मिल जाए तो आपका कालीन, तो उसमें कई कंपनियां बर्बाद हो गई इंडिया की जी। कालीन उनसे लिया नहीं जा सकता और एक बहुत अच्छे माने प्लान के तहत ये किया गया जी। लेकिन कारपेट हो चाहे ये हो, परचेजिंग पावर लोगों का बड़ा है लेकिन उसके हिसाब से चीजें भी बहुत बढ़ गई। जैसे मान लीजिए मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो मैं कार खरीदना चाहता हूँ, है ना जी, लेकिन साथ ही साथ एलईडी टेलीविजन आ गया है, फ्रिज आ गया है, तमाम चीजें ऐसे आ गई है, तो आदमी क्या करता है उसमें प्राइस से कंप्रोमाइज करता है जो मुझे सस्ता मिल जाए। यहाँ है चीन हावी हो जाता है जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। सस्ते चीज में आप गारंटी देखते नहीं जी, उसका बल्ब 6 महीना भी चल सकता है और 6 दिन भी चल सकता है, वो तो मतलब कि उसकी कोई गारंटी होती नहीं। इस चीज से वो मार्केट एकदम पाट दिया है जिसे कहते हैं जी 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 जी। तो क्वांटिटी ज्यादा होगी और सस्ते में मिलेगी तो नेचुरल है कि हमारे परचेजर हैं वही जाएंगे। दिवाली का बल्ब हुआ देख लीजिए, सारे चीन के आते हैं यहाँ, आपकी यहाँ तक आपके भगवान अब बन के वहाँ से आ रहे हैं गणेश। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अभी कुछ दिन पहले अपने यहाँ एक वो बना था कि जब उन्होंने कुछ कश्मीर में 2-3 सैनिकों के सर काट लिए थे बैट वालों ने, तो उसमें पता चला कि इसमें चीन की संलग्नता है। तो लोगों ने एक सिरे से चीन के सामान का बहिष्कार कर दिया कि न हम चीनी पटाखे जलाएंगे न चीनी गणेश को अपने घर में जगह देंगे। इसका परिणाम हुआ कि वहां का माल बाजारों में बड़ी तादाद में भरा हुआ माल वहीं का वहीं पड़ा रह गया और इसमें काफी घाटा उसको नुकसान उठाना पड़ा था। इसके थोड़ा सा पहले अगर आप जाएं तो एक बार मोदी जी जर्मनी गए थे,
तो जर्मनी की बहुत सारी कंपनियां जो है वो चीन में व्यवसाय करती हैं, चीन में संयंत्र लगा के रखी हैं। मोदी जी ने कहा कि आप वहां क्यों लगा के रखे हो, आप भारत आओ, भारत में लगाओ, भारत में युवा हैं बहुत सारे और बड़ा युवा स्किल यहाँ का बहुत अच्छा है। तो उन लोगों ने जब मन किया तो इसने इनको धमकी देनी शुरू कर दी भारत को। मुझे लगता है सर कि कहीं ना कहीं चीन की हमेशा यही कोशिश रहती है कि भारत में उद्योग ना पनपने पाए। तो इस पर इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो चीन में आर्थिक विकास हुआ है जी, वो 1993 के बाद शुरू हुआ है जी। 1993 में उन्होंने भारत से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एक्ट साइन किया था कि 20 साल तक हम किसी के ऊपर ना कोई लड़ाई करेंगे, ना बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, ना कुछ होगा जी। और इन 20 सालों में उन्होंने अपनी जो आर्थिक प्रगति जी इस तरीके से करी कि उन्होंने चीन की शक्ल बदल दी है जी। हालांकि अभी भी वहां पे सिंकियांग हो या तिब्बत के उत्तर पश्चिम का इलाका हो जी, वहां भी बहुत गरीबी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शंघाई को, चीन में आप क्या देख रहे हैं, शंघाई देख रहे हैं जी। वहां किसी गांव को वो दिखाते हैं? नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। और दूसरा, जैसे आलोक जी ने बताया कि वहां पे कम्युनिज्म है जी, वहां की कम्युनिस्ट सरकार है जी, रेड आर्मी है, पूरी चीन की व्यवस्था इस प्रकार की है कि वहां कोई विरोध होना नामुमकिन है जी। दूसरी चीज जो आपने प्रश्न पूछा कि विदेशी कंपनियां चीन में अपनी अपनी उन्होंने फैक्ट्रीज डाली है, उसका कारण क्या है? वहीं पर उनको रॉ मटेरियल जो चाइना के पास है जी, वो उनसे सस्ते दामों में मिल रहा जाता है जी। वहां पे जो लेबर है जी, वो उनको सस्ते दामों में मिल रहा है। बिल्कुल। इससे चाइना का फायदा क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है जी, और जो देश वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है जी, उसको भी फायदा हो रहा है, मुनाफा कमा रहा है कि वो भी अच्छा मुनाफा कमा रहा है जी। बिल्कुल। इस तरीके से कई देशों ने जी अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज चाइना में लगाई है जी, और वो भारत में लगाने के लिए इसीलिए अभी भी थोड़ा विचलित होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हों, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हो, चाहे कस्टम हो, चाहे टैक्सेशन सिस्टम हो जी, लेबर लॉज हो जी, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि वो यहाँ पे आने के पहले 10 बार सोचेंगे कि अगर यहाँ हड़ताल हो गई तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल। जबकि चाइना में ना कोई हड़ताल होती है, ना जापान में कोई हड़ताल होती है। इसीलिए आप इन देशों को देखिए, आप कंबोडिया को देखिए, आप वियतनाम को देखिए जी, आप नॉर्थ कोरिया को देखिए, साउथ कोरिया को देखिए, वहां भी अगर हड़ताल होगी मजदूरों की जी, वो सिर्फ एक काला रिबन लगाएंगे लेकिन अपने काम पे जरूर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये सब कारण है कि चीन समझता है कि उसकी ताकत क्या है, वो अपनी ताकत को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन हम भारत में हमारी जो ताकत है हम उस ताकत को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, हम उसको बिखराव में यू नो देखना चाहते हैं जी। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है जी। जी, बिखरा हुआ होना जी, बिखरा जा रहा है। सही है, ये पूरे घटनाक्रम में हम लोगों ने यही देखा है। आज भी आप देख लें कि पश्चिम बंगाल कभी एक समय भारत के उद्योगों का हब हुआ करता था। तमाम यूनियनों ने जब से लेबरों को, यहाँ के जो मजदूर थे उनको भड़काना शुरू किया और सारा कुछ किया, आज परिणाम आपके सामने है। पश्चिम बंगाल की ज़्यादातर यूनिट्स बंद हो चुकी हैं, यही हाल देश के तमाम इलाकों में है, और बेरोजगार लोगों की भीड़ भी इसी वजह से बढ़ती जा रही है। ये दीगर बात है कि सरकार तमाम कार्यक्रम चला करके उन लोगों को रोजगार देने की तरफ आगे बढ़ रही है, और इसी युवा परिप्रेक्ष्य को चलते हैं अपन देख समझते हैं एडिटर इन चीफ साहब से कि क्या, किस तरह से सर आप इसको देखते हैं? देखिए, जहाँ तक चीन की जो औद्योगिक पॉलिसी की जो बात अशोक जी ने कही थी, मैं उस पर फिर से आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब ने भी उसको बहुत अच्छे से समझाया। मैं एक बहुत टेक्निकली चीज इसको समझाना चाहता हूँ। जो अभी इस समय जो चीन जहाँ जहाँ भी अपने उद्योग स्थापित कर रहा है, वो भारत हो चाहे दूसरे देश हो, चीन एक
मजदूरों की एक अलग पॉलिसी पे काम कर रहा है। मुझको लगता है कि ये एक तरह का तकनीकी आतंकवाद इसको कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये इसलिए मैं इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि चीन जिस तरह के उद्योगों को लगाने में जिन मजदूरों का उपयोग कर रहा है वो मजदूर उसकी जेल में बंद सजायाफ्ता लोग हैं। आप सर्च कीजिएगा, उठा के देखिएगा। ये सिर्फ एक ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो एक बियर और एक मुर्गे की खुराक पे पूरे दिन भर का काम वो फैक्ट्री लगाने में करवा लेते हैं वो लोग। तो इस फ्रेम में वो लोग काम करते हैं, तो आप उनकी चीजों को समझ सकते हैं कि वो कितनी तेजी से लेबर और उद्योग लगाकर लोग दूसरी कंट्री में फैल रहे हैं या हमारी कंट्री में फैल रहे हैं। ये उनका एक पॉलिसी है, एक अलग तरह की पॉलिसी है। कहीं ना कहीं ये बाद में आपको इसका रिएक्शन जरूर दिखेगा और ये हर देश को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि इसका बुरा इम्पैक्ट आप लोगों के सामने जरूर आएगा एक दिन। जी, जो विशाल जी ने बोला है जी कि जो वहां के चाइना के जो लेबर हैं जी उनको जेल में जो बंद किया गया है, बिल्कुल सही बात है। इसके ऊपर यूएसए की एक टीम ने इन्वेस्टिगेशन किया है जी। आप यूट्यूब में जाइए, आप उसको देखिए। उन्होंने बताया है कि जब तक वो लेबर अपने देश के लिए काम करता है उसको काम उसको जिंदा रखा जाता है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है जी। वहां पे इस तरीके की सख्ती से जी वो देश की इकोनॉमी वो बढ़ा रहा है जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है जी। दूसरा प्रश्न है कि अगर चाइना अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत कर रहा है और हम सब इस चीज को मान रहे हैं जी, तो क्या हम उनकी अच्छाइयों को लेने से क्यों झिझक रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप में कोई अच्छी चीज होगी तो मैं चाहूंगा मैं आपसे कुछ सीखूं। बिल्कुल, लेकिन हम अपने आपस में अपनी ऊर्जा केंद्रित ना करके जी हम बिखरे हुए हैं जी। इसीलिए हमारी आर्थिक स्थिति जितनी होनी चाहिए थी जी, जो यूएन की रिपोर्ट थी उन्होंने कहा था कि 2018 तक जी इंडिया की जीडीपी करीब 9.5 होनी चाहिए जी, लेकिन नहीं है। ये मैं जो विशाल जी ने कहा एक चीज उसके ऊपर मैं और यहाँ बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान आज चीन इतना ज्यादा चीन चीन कर रहा है, चीन में मुस्लिम की स्थिति कितनी खराब है ये कहने की आवश्यकता नहीं जी। बिल्कुल, वहाँ आप पब्लिकली नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी टोपी उपी पहनना सब उसने बंद करा दिया। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हाँ, ये वीडियो भी आया था सर कि उसमें एक महिला पूरे पैर तक के कपड़े पहन के आई थी और एक आदमी बाकायदा कैंची उठाता है और उसका वो कपड़ा जो है आधी जगह से काट देता है सीधे। तो ये इस तरह का जहाँ वो हाँ, जारी तो, होता और वही चीज अगर गलती से इंडिया में उसका 1% भी हो जाए तो पाकिस्तान इशू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इंडियन भी इशू बना लेते हैं जी जी। लेकिन इतना बड़ा वो कर दिया है, ना पाकिस्तान कुछ कर रहा है न इंडिया के, तो बात ही छोड़िए हम क्यों उसके बीच में जाए। लेकिन अगर उस तरह की चीज होगा तो पाकिस्तान सबसे पहले इंडिया पे उंगली हाँ चिल्लाएगा, लेकिन चाइना में होता मेरा, है हाँ, नहीं दिखाई देता। मेरा यही कहना, बहुत बढ़िया, यही बात थी कि चीन में भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तान को दिखाई देता है, लेकिन अगर चीन में होता है तो वो पाकिस्तान को नहीं दिखाई देता। इसके पीछे तमाम सारे कारण हैं। आप लोगों ने एक बहुत सार्थक बहस की और आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।